चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा किसी से हो सकता है किसी ने आपके पर्सन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा किसी की वजह से फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, और इसी वजह से वो काफ़ी टूट चुके हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसबैलेंस इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रहे थे। ओके, बट उसके बाद फिर से टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे वो खुद में बैलेंस बनाना सीख चुके हैं, सीख रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो सीख चुके हैं। ओके, आपको अच्छे से पता होगा कि उनकी लाइफ में कौन ऐसी कार्मिक एनर्जीज हैं जो उन्हें फाइनेंशियली इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकती हैं, उन्हें लॉस उनका लॉस करवा सकती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, तो आप उनके मन में आप ही हैं। ओके, अगर आपको ये डाउट हो रहा है ना, अगर आप सेपरेशन में हैं या आपका नो कांटेक्ट है, तो आप इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि इस वक्त तो मुझे वो कहीं पे भी नहीं दिख रहे, किसी भी थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी, कोई भी कार्मिक एनर्जीज किसी भी तरह की नहीं दिख रहे। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आप ही के लिए पूरे डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है आपको वर्बली ना कहो, थ्री डी में नहीं कहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए कमिटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए, उसके बाद किंग ऑफ कप्स के बाद तो कुछ नेगेटिविटी है जिसके लिए जो उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। ओके, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी जो है ना वो सक कर रही है, उनकी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अभी तक। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट आया है टेन ऑफ कप्स के बाद लवर्स का कार्ड, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना आपके कनेक्शन में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको ख़त्म कर रहा है। इन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके एक, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो इन नेगेटिविटीज़ के पीछे एक येलो कलर की ब्राइटनेस भी है। तो ओके, तो ये नेगेटिविटी जो है ना इसने आपके पर्सन की जो पॉजिटिविटी है उनके ऑरा को बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। बट उसके बाद लवर्स का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स आपके कनेक्शन में काम कर रहे हैं, और जो भी एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पे जो भी आप जिन भी ईष्ट को मानते हैं ना, यहाँ पे वो आपको हेल्प कर रहा है। अगर आप हनुमान जी को अपना ईष्ट मानते हैं या आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ये भी इंट्यूशन आया है कि बजरंग बाण का पाठ आप जो भी व्यूअर्स करते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन को इस एनर्जी से बाहर निकाल के इस एनर्जी में लेकर आए हैं वो। ओके, और एक बहुत स्टेबल एनर्जी में लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन को इस वक्त। आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके कनेक्शन में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है, और डिवाइन फेमिनेंस आपने जो भी मेहनत की है, ओके, हो सकता है एट प्रेजेंट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस सेपरेशन से, बट मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप फ्रस्ट्रेट ना होए प्लीज, है ना, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो जो आपने एफर्ट्स डाल रहे हैं और डाल चुके हैं अभी तक, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहा है इस वक्त, जो भी सिचुएशन आपके कनेक्शन में चल रही है, तो आप उसे इस तरीके से समझिए कि इस कनेक्शन को यूनिवर्स इनडायरेक्टली आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं नेगेटिविटी से। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो आपके पर्सन को आपको यहाँ पे किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसी वजह से आपको थोड़े टाइम के लिए सेपरेट किया गया है। हालांकि आप हैं तो एक ही ना, आप ट्विन सोल्स हैं, तो आप एक ही सोल हैं, आप कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती हैं, आप ऑलरेडी कनेक्टेड होती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, एक कॉर्ड के थ्रू। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की, या आपको मिसिंग एनर्जी इस वक्त फील हो रही है, तो आप टेलीपैथिकली उनसे कम्युनिकेट कीजिए। ओके, बट कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए, कम्युनिकेशन यहाँ पे आप ज़रूर से रखिएगा, टेलीपैथिकली रखिए, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन नहीं करना इस वक्त, क्योंकि आपके पर्सन एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं। ओके, इस वक्त हो सकता है उन्हें आपकी बात 3D लेवल पर समझ में नहीं है आए, आप जो भी उन्हें समझाना चाहेंगे, लेकिन इंटरनली उनकी सोल लेवल पर यूनिवर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और देखिए लवर्स के बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज़ थी ना उनके आसपास जो भी नेगेटिविटीज़ थी, यहाँ से देखिए इस कार्ड में आप देख पा रहे होंगे कितनी डार्कनेस है, कितनी नेगेटिविटीज़ है, उससे लवर्स का कार्ड आना
फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना, तो आपकी पर्सन जो भी नेगेटिविटीज है उससे फाइट कर रहे हैं, उसको मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले रहे हैं, इस कनेक्शन को जो भी उनकी लाइफ में ऐसी काफी एनर्जीज हैं जो आपके लिए उनको गलत ठहरा रही हैं, आपके प्रति उनको गलत वे में उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, तो वो अब उनको पूरी तरीके से उनको पूरी तरीके से मात दे रहे हैं, ओके, बिल्कुल भी नहीं सुन रहे उन एनर्जीज की। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या काफ़ी लंबे समय से आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है तो भी आप, ये आप ही के लिए एनर्जीज है, ओके। और उसके बाद पेज ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन डिसाइड कर चुके हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए, हारमोनियस रीयूनियन होगा आपका बहुत जल्दी, ओके। और यहाँ पे देखिए हैंग्ड मैन जो है रिवर्स में है, आपके पर्सन हैंग्ड मैन की स्थिति से निकल, इस सिचुएशन से निकल के काफ़ी लंबे टाइम से हैंग मैन आ रहा था, बट अब ये हैंग मैन रिवर्स में आया है, तो हैंग मैन की सिचुएशन से निकल के आपके लिए यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है पास्ट में सिर्फ आप ही ने इस कनेक्शन में दिया ही दिया हो, बट अब आपके पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जितना लव आपने उन्हें अनकंडीशनल लव आपने दिया है उतना ही अनकंडीशनल लव या उससे भी कहीं 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 ज़्यादा आपको वो अपना लव शो करेंगे, अपनी फीलिंग्स शो करेंगे, ओके। और हो सकता है कि वो कुछ ऐसा भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन, ओके, तो वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जिसे सुनकर आप हो सकता है थोड़ा शॉक्ड भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली ये भी फील हो रहा है कि थोड़ा आपको गुस्सा भी आए, बट आपको उनकी सिचुएशन को इस वक्त समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या क्या हुआ, और पहले आपको उनकी बात सुननी है। जब भी आपका कम्युनिकेशन होता है, जब भी आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है या कोई मैसेज भी आता है, तो पहले आपको उनकी सुननी है कि क्या कहना चाहते हैं, किस किन एनर्जीज में हैं, उसके बाद ही आपको अपना व्यू रखना है, ओके। पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, पुरानी बातों को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, पास्ट में जो भी हुआ वो एक लेसन था, लर्निंग था, वो हो चुका है, ओके। अब आप लेसन, आप भी अपना लेसन ले चुके हैं और आपके काउंटर पार्ट भी यहाँ पे अपना लेसन ले चुके हैं, इस फेज को ख़त्म होने के लिए अब बहुत जल्दी ये फेज जो है वो ख़त्म होगा, ओके। ये जो आपका सेपरेशन का फेज चल रहा था, आपका नो कॉन्टेक्ट का ब्लॉक का जो फेज चल रहा था, वो ख़त्म होगा, बहुत जल्दी होगा, ओके। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।